हेलो एवरीवन वेलकम टू एनएस एजुकेशन आज हम बात करेंगे 22 आठ 2017 को जो जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में मतलब आज की डेट के क्वेश्चंस हम आपको यहां पे इस वीडियो में बताने जा रहे हैं थोड़ा सा पैटर्न इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ है थोड़ा सा क्वेश्चंस थोड़े से जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से अजीब आए हैं और जनरल साइंस के क्वेश्चन तो खैर ठीक ठाक आ ही रहे थे और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं इसकी पी फाइल हम अपने ब्लॉग पर और चैनल पर दोनों पर डाल देंगे आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए और दोस्तों मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ हमारा व्हाट्सएप कर ऊपर कोई भी ग्रुप नहीं है इसलिए आप प्लीज नंबर्स अपने कमेंट यहां पे ना करें और आप डायरेक्ट लिंक में जाके या इस प्रोसीजर से आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी आप उस लिंक के थ्रू भी उससे जुड़ सकते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और अनाउंसमेंट करना चाहता हूं एक और मैंने एक चैनल क्रिएट किया है व्यापम गुरु लेकिन ये एक पेड इनिशिएटिव होगा हो एन एजुकेशन के लिए जिसमें अभी आपका जो एस का एग्जाम है वो उसकी क्रैश कोर्स वगैरह जो है वो सब प्रिपरेशन इसमें कराई जाएगी जिसमें एक सब्जेक्ट सबसे पहले लिया जाएगा फॉर एग्जाम्पल हिंदी लिया जाएगा तो सबसे पहले हिंदी को ही खत्म करेंगे इसके साथ में हिंदी का एक वीडियो तो डेली आपको मिलेगा इसके साथ साथ एक प्लान पूरा हम अभी हम क्रिएट कर रहे हैं पूरी तरीके से प्लान क्रिएट नहीं हुआ है तो करीब फिफ्टी डेज का एक पूरा कंप्लीट प्लान होगा और इसमें आपको सब कुछ मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे जनरल साइंस मिलेगा हिंदी मिलेगा इंग्लिश मिलेगा सब कुछ इस चैनल के ऊपर मिलेगा हमारी टीम इस पर वर्क कर रही है और बहुत जल्द हम ये लॉन्च uh, करने वाले हैं और पेड इनिशिएटिव दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं ज्यादा नहीं ज्यादा से ज्यादा आपसे मैं पर वीडियो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम किसी वीडियो पे एक किसी पे दो किसी पे पांच इससे ज्यादा मैं आपसे नहीं लूंगा ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम दस रुपए एक वीडियो पर इससे ज्यादा आपसे मैं नहीं लूंगा क्योंकि थोड़ा सा हमें भी देखना पड़ता है दोस्तों क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और YouTube की तरफ से थोड़ी बहुत इनकम होती है आप लोगों को काफ़ी आइडिया भी होंगे कई लोगों को वो इनकम इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है कि मैं अपना घर चला सकूं तो इसलिए मुझे एक थोड़ा सा ये इनिशिएट लेना इनिशिएटिव लेना पड़ रहा है और ये मतलब आप ये मत सोचिए कि मैं ऐसा कर रहा हूँ आप फिर भी मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी आप वहां पर जाके इसको सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हैं और बहुत जल्द ही इस पर आपको एस SI आई का क्रैश कोर्स पूरा मिलेगा एस SI आई और पटवारी के लिए भी इसमें एग्जाम में प्रिपरेशन कराई जाएगी लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ ऐसा नहीं है कि हम एन एजुकेशन को बंद कर रहे हैं ये हमारा चलता रहेगा बस इसमें है थोड़ा सा जो कंटेंट है वो कंटेंट जैसा भी आपको मिल रहा है वैसा कंटेंट इसमें आगे भी मिलता रहेगा तो बस ये थोड़ा सा एक मुझे अनाउंसमेंट करना चलिए दोस्तों खैर हम आगे बात करते हैं के के आज के जो हैं, अच्छा दोस्तों एक चीज और मैं बता दूं, इसमें कुछ हमारे जो हैं वो बीस के, के भी हो सकते हैं और उन्नीस के क्वेश्चन भी हो सकते हैं क्योंकि कई बार आप लोग क्वेश्चन मुझे मैसेज कर देते हैं तो मैं ये सोचता हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं उसमें इंक्लूड कर दूँ ताकि लगता है आपको पता चल जाए कि किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप उसको अदरवाइज ना लें क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे हैं शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो रिपीट हुआ हो और पीडीएफ फाइल से एक दो एक दो क्वेश्चन जरूर फंस रहे हैं तो मैं पीडीएफ फाइल भी इसकी देखता हूं बना दूंगा आज बना दूंगा नहीं तो कल तक मैं इसको ब्लॉग पे और अपने टेलीग्राम पर जरूर डाल दूंगा तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद इसका मुख्यालय कहाँ है तो ये है आपका न्यू दिल्ली में जो आपका राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है ये होता है आपका नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल नेक्स्ट टाइम मनोहर पर्रिकर के गोवा के मुख्यमंत्री बनने पर किस पार्टी ने उनका समर्थन किया था तो ये दो पार्टी थी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी और गोवा फॉरवर्ड पार्टी तो ये दो थी पार्टी जिन्होंने उनको सपोर्ट किया था नेक्स्ट है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस यह है भारतीय हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका मनाया जाता है 14 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है दस जनवरी को तो हमारे वीडियो का क्वेश्चन है हमने जनवरी का जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के इंपॉर्टेंट डेज कवर किए थे उनमें से सारे क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं एग्जाम में और हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है नेक्स्ट है प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है तो ये हैं जेवती राव गोविंद राव फुले जेवती राव गोविंद राव फुले नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का डेट्रेट किसे कहा जाता है तो ये पीथमपुर जो आपका धार जिले में पड़ता है नेक्स्ट है ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना इनमें से किसने की थी तो ये करी थी बाल गंगाधर तिलक ने उन्नीस में नेक्स्ट है मिस्टर इंडिया फिल्म के लेखक कौन है तो सलीम खान और जावेद अख्तर नेक्स्ट है किस देश में सबसे ज्यादा बैंकों की शाखाएं हैं तो भारत एक, एक ऐसा देश है जहां पे सबसे ज्यादा बैंक हैं और अब ये आपका जो जैसे श्रीलंका वगैरह सॉरी भूटान वगैरह हो गया यहाँ पर भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ये अपनी शाखाएं यहाँ पे लेके आने लग गए हैं नेपाल आ, हो गया भूटान हो गया तो यहाँ पे भी अब इनकी बैंक की शाखाएं होंगी नेक्स्ट है किन वन्य जीव अभ्यारण किस जिले में है तो ये है छतरपुर जिले में कि नदी भी वहीं फ्लो होती है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का क्या अनुपात है तो आज का जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है उसी का ये क्वेश्चन है आज ही मैंने करंट अफेयर के क्वेश्चन में इसके बारे में बताया था तो थ्री टू टू इसका लंबाई और चौड़ाई का रेशो होता है नेक्स्ट है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी तो ये थी पृथ्वा देवी सिंह पाटिल प्रथिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी तो दोस्तों ये भारत की प्रथम महिला या भारत के प्रथम पुरुष इनसे भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जा रहा है अगर आपने ये चीजें नहीं पढ़ी हो तो इनको आप एक बार जरूर पढ़ें नेक्स्ट है पद्मश्री 2017 किस क्रिकेट खिलाड़ी को दिया गया तो यह है विराट कोहली और विराट कोहली को महेंद्र सिंह धोनी के बाद भारतीय कप्तान बनाया गया है भारतीय इंडियन टीम का क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है इनको लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री सबसे लंबे समय तक इनमें से कौन है तो जवाहरलाल नेहरू हैं जो उन्नीस से लेके उन्नीस तक जब इनकी मृत्यु हुई थी तब तक भारत के प्रधानमंत्री रहे तो जब तक गणतंत्र दिवस मतलब जो गणतंत्र है हमारा जब तक उन्नीस में लागू नहीं हुआ था तो 1947 से यहाँ तक और और 1950 से 1964 तक ये रहे जब भारत उन, मतलब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उन्नीस में तो उस 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 समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था वो थे लाल बहादुर शास्त्री ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे उन्नीस में बने थे लेकिन 1964 में इनकी मृत्यु हो गई थी भारत का गृह मंत्री कौन है तो ये हैं अभी हाल में राजनाथ सिंह मध्य प्रदेश में दो ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं तो देखिए मध्य प्रदेश में दो ज्योतिर्लिंग हैं जो हैं आपके महाकालेश्वर जो महाकाल हैं आपके उज्जैन में इसके अलावा है ओमकारेश्वर ये दो ज्योतिर्लिंग है आपके मध्य प्रदेश में सोन नदी कहां से निकलती है इसका उद्गम कहां से होता है तो ये मेकाल पर्वत की अमरकंटक नामक मतलब अमरकंटक से निकलती है अमरकंटक का जो पठारी भाग है वहां से निकलती है और नर्मदा नदी का उद्गम भी वहीं होता है और ये सोन नदी जो है ये गंगा नदी जो है गंगा नदी की ट्राइब्यूटरी है और ये बाद में बिहार में जाके बिहार में पटना के पास में जाके गंगा नदी में मिल जाती है पहला भारत का सी प्लांट कौन सा है तो भारत का पहला सीएनजी प्लांट करंट अफेयर का एक्चुअली क्वेश्चन है जेब सी प्लांट या बायो सी प्लांट अभी हाल में ही महाराष्ट्र में 2016 की न्यूज है आई थिंक अगस्त या जुलाई 2016 की ये की न्यूज है तो ये है आपका पुणे महाराष्ट्र में कोचकाओं के समूह को क्या कहते हैं तो कोचकाओं के समूह को कहते हैं ऊ तो ये आपका जनरल साइंस का क्वेश्चन है तो कोई टफ क्वेश्चन ही नहीं है बीजों के अंकरण होने के लिए क्या आवश्यक नहीं तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्वेश्चन मुझे एजेटिव मिला मैंने एजेटिव डाल दिया है जो भी ऑप्शन होंगे तो ये धूप एक ऐसा ऑप्शन था उसमें जो बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक नहीं होता है नेक्स्ट है जब आपतित किरण कोई क्षेत्र पर 90 डिग्री पर पड़ रही है तो परावर्तित किरण कितने डिग्री का कोण बनाएगी तो ऑबेस है 90 डिग्री का ही कोण बनाएगी क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो रिफ्लेक्शन होता है मतलब परावर्तन का जो नियम होता है उसमें एक नियम होता है कि आपतित किरण का जो एंगल बनाता है नॉर्मल के साथ वही परावर्तित करण भी नॉर्मल के साथ नॉर्मल मतलब अभिलंब की यहां पे हम बात कर रहे हैं तो ये जो थीटा अगर थीटा वन होगा तो ये भी आपका थीटा वन ही होगा ये दोनों कोण आपके बराबर होंगे तो दोस्तों ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस आज के आपके 22 तारीख के एग्जाम के और इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां से अगर हम कुछ देखते हैं एक दो क्वेश्चन थे इसमें मुझे याद नहीं आ रहा है कि कौन से वो क्वेश्चन थे तो वो आपके 21 तारीख की जो शाम की शिफ्ट थी उसके कुछ क्वेश्चन इसमें थे तो आप कंफ्यूज ना हो क्वेश्चन बिल्कुल भी रिपीट नहीं हो रहे हैं बाकी पीडीएफ से जरूर एक दो एक दो क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल रहे होंगे तो दोस्तों ये था हमारा पूरा बाईस तारीख का एग्जाम और इसके बाद आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें इसके अलावा फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं और ब्लॉग को भी हमारे फॉलो कर सकते हैं ये सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएंगे थैंक यू थैंक यू वेरी मच